नमस्कार सर, अभी जो है BML 2055 है, नया मॉडल का है। अभी क्या इसमें हमारा सजीवन जी बताएंगे फायर सेफ्टी के बारे में। इसमें दो पार्ट में फायर सेफ्टी के लगा हुआ है, आखिर अपना इंजन के तरफ या ट्रांसमिशन के तरफ कहीं भी आग लग जाता है तो कैसे बुझाया जाएगा, और अंदर इसमें केबिन में बहुत सिस्टम दिया हुआ है, सब सिस्टम के बारे में सजीवन जी जानकारी देंगे और सजीवन जी बताएंगे। अब सजीवन जी जो है बताएंगे कि सेफ्टी के बारे में इसका सब कुछ बता दीजिए सजीवन जी। इसमें फायर सिस्टम एक्टिवेशन लगा हुआ है जो दो अथी में है, पार्ट में जोन वन जोन टू। अगर हमारा इंजन के तरफ अगर कुछ फोल्ट वगैरह होता है, कुछ आग वगैरह लगता है तो अपने आप 180 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो अपने आप वो फायर हो जाएगा। जी जी। और उससे पहले अगर अगर को ऑपरेटर अगर कुछ देख लेता है कि हमारा डोजर में कुछ हो रहा है तो उसमें मैनुअल फंक्शन भी दिया हुआ है। अगर हम देख लिया कि हाँ कुछ फायर हो रहा है तो हम अपना मैनुअल फायर कर देंगे तो हमारा आग कंट्रोल हो जाएगा, बुझ जाएगा। उसके बारे में सब अभी केबिन में बताएंगे, अभी केबिन खोलेंगे। खोलिए, अभी जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी हम लोग केबिन के अंदर आए, अभी चाबी ऑन कर रहे हैं। अभी चाबी ऑन किए, अभी देख सकते हैं अभी सब अभी जो है इसमें बताएंगे अभी सजीवन जी। अभी जो है मीटर के बारे में अपने को जानकारी देंगे, ये मीटर थोड़ा बता दीजिए, ये कौन सा मीटर है। इसमें जो है मीटर के बारे में बताएंगे, कौन सा मीटर किसके लिए है, सजीवन जी बताएंगे। बताइए सर, ये वाला कौन सा है। ये अपना वाटर टेम्परेचर है, जो हमारा डोजर चलेगा तो हमारा कितना परसेंट में टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर उसका देखने के लिए है। जी जी। कि हाई ना हो टेम्परेचर, हाई होने से इंजन हमारा खराब हो सकता है, उसके लिए है ये। अपने को जो है 80 से लेकर 90 तक जो है टेम्परेचर है तो आइडल खड़ा कीजिए, है ना। ये अपना इंजन इंजन ऑयल प्रेशर का हो गया, ऊपर वाला जो है इंजन ऑयल प्रेशर हो गया, देख रहे हैं आप 10 तक उसका लिखा हुआ है। तो आइडियल में 2-3 के बीच में रहना और फुल रेस में 6-7 के बीच में रहना। ये हो गया RPM मीटर, कितना हमारा RPM में डोजर चल रहा है उसके बारे में ये इंडिकेट करता है कितना RPM में है। और ये हो गया अपना बैटरी का, जो बैटरी का है, जो बैटरी अपने को अल्टरनेटर जो है चार्जिंग कितना दे रहा है वो सब बताएगा। वो अपना स्टार्ट करते ही जो है अल्टरनेटर जो है चार्जिंग देना चालू कर देता है तो ये अपना ये मीटर बताना चालू हो जाता है। और नीचे वाला कन्वर्टर, ये कन्वर्टर का है, कन्वर्टर हमारा कितना टेम्परेचर गर्म हुआ उसका दिखाएगा। टोकन मीटर का प्रेशर मीटर है, वो कितना हीटिंग बता रहा वो सब का हो गया। और ये वाला जो है अपना डीजल का है, फ्यूल का है, वो ये टेम्परेचर का अभी 30 डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, 38 डिग्री। हाँ अभी 38 डिग्री। जी जी जी, हाँ हाँ, ये टेम्परेचर बताएगा। चलिए, और इधर जो है हॉर्स मीटर है, क्या हॉर्स मीटर हो गया, ये सेंसर मीटर है, डोजर में कुछ प्रॉब्लम होने से ये इंडिकेट करेगा। अच्छा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा सेंसर से ये इंडिकेट करेगा। अच्छा। ये अपना डोजर का चाबी हो गया। जी जी। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार डोजर को घूम लेना, अच्छा तरह से देख लेना। जी जी। उसके बाद आकर के चाबी लगाने, इंजन वाल सब कुछ चेक करने के बाद चाबी लगाना है, चाबी लगा करके ऑन करना है इसको। जी जी। ऑन करके स्टार्ट करके फिर अपना साहब लोगों से मिलना है, फिर जो काम बताएगा वो काम को करना है। जी जी। और ये बटन सब, ये नीचे हो गया, सारा फ्यूज हो गया। अच्छा, ये सब आप देख लीजिए, ये फ्यूज का बटन सब है। ये हमारा कुछ भी फोल्ड होने से, कहीं पे भी स्पार्क फोल्ड वगैरह होने से ये फ्यूज कट जाएगा। अच्छा। ये बटन जो अभी फ्री है ये बाहर निकल जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, फिर वो चीज का लॉक हो जाएगा, आपका काम मशीन कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा। फिर इसको नया मतलब ये फ्यूज सिस्टम है, इसमें कोई फ्यूज उड़ गया तो बाहर आ जाएगा। हाँ, बाहर आ जाएगा। अच्छा 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 सिस्टम। और ये सब,
ये अपना लाइट का बटन है जी जी, लाइट का हेड लाइट रियर लाइट फ्रंट लाइट जी ये सब का है। ऊपर ये देख सकते हैं ऊपर भी बटन दिया हुआ है जो कि रिवर्स लाइट वगैरह का बटन है जी जी। फैन का हो गया हाँ। दो वाइपर का हो गया जी। वाइपर में शीशा गंदा होने के बाद हम लोग पानी मारते हैं जी जी, उसका हो गया। एक हो गया एसी का हो गया जी जी, देख सकते हैं ये सब एसी लगा हुआ है। एसी का एक बटन है जी जी, ऑन ऑफ यहाँ से होता है जी जी हाँ। यहाँ से ऑन ऑफ करना है, कितना टेम्परेचर पे चलाना है जी जी जी, कितना टेम्परेचर पे चलाना है जी, यहाँ से बताएगा कि हाँ इतना टेम्परेचर पे हमको चलाना है, जितना पे आपका कूल हो उतना पे चला सकते हैं जी जी जी। इसमें पंखा भी लगा हुआ है और एसी का भी हो गया, देख सकते हैं आप। और ये मैनुअल फायर सिस्टम है, मैनुअल फायर सिस्टम हाँ, मैनुअल फायर सिस्टम। ये इसका जब हमको कहीं से कुछ पता होगा डोजर में कुछ फॉल्ट होगा जी जी, तो ये चीज यहाँ से निकालने का, ये चीज निकालने का, जिसे जोन वन में हमारा इंजन में अगर कुछ होगा, इंजन के तरफ अगर कुछ आग वगैरह दिखेगा हमको जी जी, तो जोन वन है जोन, तो इसको जी। इसका सील तोड़ने का, इसको निकालने का, और यहाँ तो पिन को हाँ, यहाँ से सील तोड़ के बाहर निकालेंगे बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये दो बटन दे रखा है, दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे। अच्छा, एक साथ दबाएंगे जोन वन में, तो हमारा इंजन को कवर कर लेगा जी जी, इंजन को कवर कर लेगा। और ये नीचे हो गया जोन टू, सेम प्रोसेस है। जब हमारा सीट के नीचे कुछ ट्रांसमिशन कन्वर्टर वगैरह में अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है जी जी, आग वगैरह निकल रहा है जी, तो इसको सेम प्रोसेस में इसको निकालेंगे और इसको बटन दबाएंगे, हमारा इंजन के नीचे सीट के नीचे सब कवर कर लेगा जी जी जी, बिल्कुल कवर कर लेगा। ये दो जोन वन जोन टू में इसलिए दे रखा है जो कि एक साइड से अपना पार्ट वन पार्ट टू हो गया, पार्ट वन पार्ट टू है कि अगर जैसे कि बहुत सारे डोजर में होते हैं जो एक में ही लग रहा होता है पूरा डोजर में जी जी जी, एक बटन दबाइए पूरा डोजर कवर कर लेगा आगे पीछे सब जी जी, सिंगल सिलेंडर। इसमें डबल सिलेंडर दिया हुआ इसलिए कि मान के चलो कि हमारा कुछ आगे इंजन की तरफ फोल्ड हो रहा हो जी जी जी, तो सिर्फ मतलब इंजन का वो करेंगे तो हमारा एक सिलेंडर खाली होगा, दूसरा हमारा बचत हो जाएगा जी जी, बिल्कुल। अगर पीछे का होगा तो पीछे का करेंगे जी जी, नीचे का करेंगे तो ये हमारा बचत हो जाएगा। इसलिए जोन वन जोन टू में दे रखा है दो सिलेंडर अलग अलग पार्ट में जी जी जी। और जो ये लगा हुआ है सब ये अपना इसका इलेक्ट्रिक का है लाइन का जी जी, यही सप्लाई करेगा यहाँ से पाउडर। अच्छा अच्छा, अब जो इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, आखिर ऑपरेटर सो भी जाता है चाहे सिगरेट पी रहा हो चाहे इधर उधर देख रहा होगा, तो इसके बारे में अलार्म बजता है। ये आपका कैमरा लगा हुआ है, पीछे का भी कैमरा लगा हुआ, देखिए अभी पीछे दिखाएगा हो सब कुछ सिस्टम, अभी बताएंगे सजीवन जी। ओके, जी अभी जो है कैमरा के बारे में बताएंगे सजीवन जी, अभी बताइए सर। तो ये तो सेंसर लगा हुआ है, ये अगर ऑपरेटर अगर सो जाता है ये सेंसर लगा हुआ है, ये ऑपरेटर का सुरक्षा के लिए है जी, सेफ्टी है। ये क्या है कि अगर हम मशीन चला रहे हैं नाइट में या डे में, तो अगर हमको नींद आ गया, मेरा आंख बंद हो जाएगा, तो ये हमको इंडिकेट करेगा या बोलेगा, या फिर हम इधर उधर देख रहे हैं मशीन पर सीधा नहीं देखेंगे, इधर उधर देख के हम गाड़ी चला रहे हो, तो ये हमको इंडिकेट करेगा, बार 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 हमको बोलता रहेगा, जब तक हम सामने नहीं देखेंगे वो बोलता ही रहेगा जी जी जी। या फिर कुछ स्मोकिंग वगैरह भी करेंगे तो बोलेगा, मोबाइल से बात करेंगे तो बोलेगा, ये बात नहीं करने देगा जी जी, ये बराबर ये परेशान करता है, बोलता रहेगा जब तक आप कान से मोबाइल हटा लो नहीं हटाओगे या स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे जी जी, तो या आंख नहीं खोलोगे सामने नहीं देखोगे तो ये बोलता ही रहेगा जी जी। इसका ये फंक्शन है इसलिए दिया हुआ है। ऊपर ये कैमरा रिवर्स कैमरा लगा हुआ है जी जी, रिवर्स कैमरा जो कि हम रिवर्स गियर डालते समय डालने से पहले इसको हमको एक बार पीछे नजर देखना पड़ता है कि पीछे कुछ कोई याद तो नहीं आ गया, कोई गाड़ी तो नहीं आ गया, कुछ लीकेज वगैरह रहा तो कुछ है तो नहीं, तो इसलिए कैमरा दिया हुआ है पीछे का देखने के लिए जी जी। तो थोड़ा जो है इसमें कैसे आवाज करता है, बीड़ी जैसा सिगरेट पीते हुए थोड़ा दिखा सकते हैं, दिखाता हूँ जी जी, आवाज करता है जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी सामने देख रहा हूँ, अभी नहीं बोलेगा, मैं सो रहा हूँ फिर बोलेगा। खोल दिया तो ये चुप हो गया, फिर मैं अगर इस तरफ देखूंगा तो बोलेगा। देखिए आप, जैसे मैं सामने देखूंगा बंद हो जाएगा, उसी प्रकार से मैं भैया मोबाइल देना जरा, एक मिनट बताता हूँ आप। अब देखिए मोबाइल से बताएंगे, अब उसी प्रकार से मैं अगर मोबाइल से कहीं पे अगर बात करूंगा तो बोलेगा। Please don't use cell phone.
और उसके बाद इसमें जो है ये बोलेगा और ऊपर जो है एक लाइट लगा हुआ है वो इंडिकेट करेगा, जैसे कि ऊपर आपको लाइट दिखाई देगा, देखिए देखिए सो रहा होगा तो वहाँ कोई भी आदमी साहब लोग चाहे कोई भी रहेगा तो मालूम चल जाएगा कि भाई अचानक सिग्नल क्यों दे रहा है डोजर से, तो पकड़ सकता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम होगा उधर। देखिए अब जो है वही है, मतलब ये बोलेगा उसके बाद में इसके साथ साथ में ऊपर एक लाइट जलेगा जी जी, तो हमारे सामने वाले को भी पता, कोई साहब लोग यहाँ है तो उनको भी पता लग जाएगा कि ऑपरेटर इधर उधर देख रहा है, सेफ्टी में नहीं चला रहा है या सो रहा है जी जी। लाइट जलेगा, लाइट ये बाहर वाले के लिए दे रखा है कि ऑपरेटर क्या कर रहा है आपको पता लग जाएगा जी जी। बात कीजिए फोन पे, हाँ सेल फोन से हम बात करेंगे तो फिर भी बोलेगा। देखिए जी जी, और सेल फोन इसी प्रकार से हम अगर कुछ स्मोकिंग वगैरह इस मशीन के अंदर में करता है ऑपरेटर तो वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा अभी तो स्मोकिंग। अभी आप देख सकते हैं सिगरेट के लिए हम लोग एक पेपर बना के दिखा रहे हैं कंप्यूटर किस तरीके से बोलेगा। देखिए हम स्मोकिंग वगैरह कुछ करता है ऑपरेटर इसमें तो उसके लिए भी इंडिकेट करेगा कि स्मोकिंग नहीं करना है। अभी जो है हमारे पास सिगरेट नहीं है इसलिए जो है सिगरेट के बारे में नहीं बता सकते अभी, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सीट बेल्ट जो है शिफ्ट बेल्ट के बारे में बताएंगे अभी सजीवन जी। जैसे कि अगर हम मशीन चालू कर रहे हैं, चालू करने से पहले हमको सीट बेल्ट लगा के चलाना है, अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा अभी खोल रखा हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो कंटिन्यू आवाज करता रहेगा, ये आपको बैठने नहीं देगा ढंग से। अच्छा अच्छा, देखिए ये सीट बेल्ट हम खोल दिए जी जी, सीट बेल्ट खोल दिए तो साउंड आता रहेगा जी जी, जब तक सीट बेल्ट हम नहीं लगाएंगे साउंड बंद नहीं होगा जी जी जी, बहुत साउंड आ रहा है, हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं साउंड अपने आप बंद हो जाएगा। शॉर्ट बंद हुआ जब सीट बेल्ट लगा रहे हैं, जब तक हम सीट बेल्ट लगाएगा नहीं ये साउंड करता ही रहेगा जी जी, देख रहे हैं आप अभी सीट बेल्ट लगा दिए, अभी ये बंद हो गया, अभी आप देख रहे हैं। अब हम लोग जो है अभी सीट बेल्ट खोल देते हैं, देखिए साउंड आना चालू हो गया। अब वीडियो में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अभी जो है केबिन के बाहर से मैं ले रहा हूँ वीडियो, अभी इसका एक केबल के बारे में भी बताएंगे सजीवन जी, सबसे सिस्टम के बारे में बताएंगे। अभी जो है फायर सिलेंडर भी एक अंदर रखा हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे, और इधर गियर के बारे में, गियर के हो गया आप देख सकते हैं, पहले फायर के बारे में सब बता देते हैं उसके बाद फिर आपको स्टार्ट वगैरह करके सब दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं फायर सिलेंडर जो है एक राइट साइड में भी था, एक लेफ्ट साइड में भी है, इसका केबल भी अभी सजीवन जी बताएंगे कहां कहां लगा हुआ है और कैसे फायर करता है वो। ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया,
अभी देख सकते हैं आप, दूसरे तरफ भी जो है सिलेंडर है, मैकेनिकल इधर भी लगा हुआ, मैकेनिकल उधर भी लगा हुआ है। इमरजेंसी में जो भी हेल्पर है चाहे कोई भी आदमी देख के जो उसको पुश कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं टू लिखा हुआ है उस पर, ये देखिए मार्किंग पे टू लिखा हुआ है। अब उसके बारे में सजीवन जी बताएंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिए। सजीवन जी बताएंगे केबल जो है, आप देख सकते हैं ये केबल जो है ये ऑटोमेटिक फायर सिस्टम का केबल है। जैसे कि अगर कुछ आग वगैरह लगता है जी जी, 180 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो ये केबल अपने आप जल जाएगा जी। ये केबल जैसे जलेगा जी, कहीं से भी एक थोड़ा सा कट आएगा केबल में, कहीं पर भी जी, ये प्लास्टिक जलेगा और अपने आप फायर हो जाएगा। ऑपरेटर को कुछ नहीं करना, वो खुद फायर हो जाएगा जी जी। उसके लिए दिया हुआ है, सेम प्रोसेस इसका पीछे भी दिया हुआ है जी जी। यही केबल लगा हुआ है पीछे भी जो ऑटोमेटिक फायर है, ये थोड़ा भी जलेगा किसी भी चीज से। अगर हम एक माचिस मार के इसको जलाते हैं तो फायर हो जाएगा जी जी। आप देख सकते हैं इंजन में किस तरीके से केबल लगा हुआ है, वो चारों तरफ से लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से सब सिस्टम बैठाया हुआ है, पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छा है। नया मॉडल डोजर है, न्यू मॉडल, और बहुत ही अच्छा सेफ्टी है। और वीडियो में आप लोग बने रहिए सर, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सजीवन जी जो है केबिन बंद कर लिए, अभी आग लग गया फायर करना हो, आखिर लगता उनको दिख गया तो उससे पहले वो मैकेनिकल किस तरीके से फायर करेंगे केबिन के अंदर, सही वो भी बताएंगे। अभी सजीवन जी इसके फायर के बारे में बताएंगे, बताइए सर। ये अगर कुछ बिल्डिंग वगैरह का काम हो रहा है जी जी, तो हमको यहाँ से वायर खोल के हटा देना है, नहीं तो अपने आप बिल्डिंग का उससे आग पड़ेगा तो उससे जी जी, फायर हो सकता है। हाँ हाँ। फायर हो सकता है, इसलिए तो इसको खोल के हटा देना है। बाकी मैनुअल केबल हटा हाँ, देना, केबल हटा देना है जी जी, तो ये फायर नहीं होगा। अच्छा, नहीं तो ये फायर हो सकता है जी 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 जी।